हे क्रिप्टो बड़ी, कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री अपकमिंग बिग एयर ड्रॉप के बारे में। अगर आपने पिछले दो एयर ड्रॉप मिस कर दिए हैं, वन इंच और अपना यूनिस्वैप का, तो डेफिनेटली आपको जो मैं तीन बताने वाला हूँ उसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने उसको मिस कर दिया फिर से आप रिग्रेट करेंगे, काश मैं इसमें ट्रांजेक्शन कर देता, काश मैं इसमें ये कर देता। क्योंकि वन इंच और यूनिस्वैप की बात करूँ तो उन्होंने 1 लाख से लेके 3 लाख तक फ्री में मनी बांटी है और बहुत से लोगों ने इसको मिस किया। बहुत से लोगों ने, भारत में से 100 से सिर्फ 3% लोगों ने ही क्लेम किया है और किसी ने नहीं किया। यूनिस्वैप का मैं बोल सकता हूँ 100 में से 10% लोगों ने क्लेम किया होगा, पर वन इंच का 100 में से सिर्फ 3% लोगों ने ही क्लेम किया है। तो टेंशन ना लो, बहुत से लोग आपके साथ ही हैं, सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। बट अभी फ्यूचर के मैं तीन बताने वाला हूँ, तो इसका बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना कि बाद में आप बोलोगे यार मैंने मिस कर दिया। तो इस करके, और इस वीडियो को अपने भाइयों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पैसा भी बांटने से बढ़ेगा। क्योंकि आपका पैसा नहीं लग रहा, बट आपकी एक छोटी सी हेल्प से आपके भाई का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो भी एक क्लेम करके फ्री में मनी कमा सकता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और पिक करते हैं अपकमिंग एयर ड्रॉप का प्लेटफॉर्म। मैं बात कर रहा हूँ पैरास्वैप डेक्स की। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो जरूर इसमें चेकआउट कीजिएगा। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके यहां पर सिर्फ आपने एक ट्रांजेक्शन मार के छोड़ देनी है और फ्यूचर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको एयरड्रॉप फ्यूचर में मिल सकता है। तो इसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूं, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सबसे पहले शेयर करता हूं वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं जिस पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती है या फिर वीडियो लेट हो जाती है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 25 दिसंबर को मैंने पोस्ट कर दिया था मेटामास्क का, और उसके बाद पैरास्वैप का भी मैंने पोस्ट कर दिया था, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। और तीसरा, मैंने यहां पर अपना ओपन ऑक्शन का भी यहां पर शेयर कर दिया था कि जाकर आप एयर ड्रॉप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ताकि सबसे पहले फास्ट सर्विस में आपको अपडेट मिल पाए। तो इसके लिए मैं क्यों श्योर हूं कि इसमें मिलने वाला है वो भी मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसको कैसे स्वाइप करना है, ठीक है। इस वॉलेट को आप यहां पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर साइन आउट लिखा है, मैं दोबारा से कनेक्ट करके बताता हूं। कनेक्ट वॉलेट पर जाना है, मेटामास्क पर क्लिक करेंगे, आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास मेटामास्क नहीं है तो आप ट्रस्ट वॉलेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको वेब 3 ब्राउजर में पेस्ट करना है, एंड में मैं वो भी समझा दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। किसी भी एथेरियम नेटवर्क की जो डेक्स है उसके लिए आप एथेरियम ही रखें, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई दूसरा टोकन रखें स्वाइप करने के लिए, ठीक है। एथेरियम से ही स्वाइप करें। उसके बाद एथेरियम से किस पेयर में आप स्वाइप करना चाहते हैं वो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर डाई ले लेता हूँ, इसको मैं स्वाइप के लिए लगाता हूँ। तो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गैस फीस को फास्ट ही रहने दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक दिन में ट्रांजेक्शन होती नहीं है, या फिर थोड़ा प्रतीक्षा कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइस स्लिपेज है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 1, 2, 3 जितना करना चाहो। तो मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म कर देना है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फीस है वो $11 लग रही है अभी की। अगर मैं अभी करंट की बात करता हूँ 28 दिसंबर की, तो $11 लग रही है। आप इसके प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बता देता हूँ कि ये जो उनसे एयर ड्रॉप हैं ये आपको अगले साल ही मिलने वाले हैं, यानी कि अगले साल, यानी कि 3-4 दिन रह गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च के बीच में ही आपको मिलेगा। क्योंकि जब तक ये लिक्विडिटी अपनी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं कि लिक्विडिटी वाला ये आपको रिवॉर्ड देंगे, तब तक ये टोकन नहीं लॉन्च करेंगे। तो अभी ये उस पेयर वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं कि अभी साथ के साथ कर लो, कल एयर ड्रॉप आने वाला है, ऐसा नहीं है। आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना भी लेट मत कर देना, बट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए ये फीस ज़्यादा लग रही है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इतनी फीस काफ़ी भाई नहीं दे सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, हम बात कर लेते हैं इनके ऑफिशियल ट्विटर की, यानी कि मैं इनके बात कर रहा हूँ कि ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट हुआ, जिसमें वन इंच का जब एयर ड्रॉप हुआ उसके कुछ ही समय बाद इन्होंने ट्वीट किया, दिस इज व्हाट पैरास्वैप विजिटर लुक लाइक टुडे, कीप एन आई ऑन अपकमिंग अपडेट, मीनवाइल बुकमार्क paraswap.io। यानी कि कहीं ना कहीं ये एयर ड्रॉप की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही काफ़ी लोग जब वन इंच का एयर ड्रॉप हुआ पैरास्वैप की ओर भागे चले आए, क्योंकि वो सभी लोग पिक कर रहे थे बढ़िया बढ़िया जो बड़े बड़े डेक्स हैं जो कि एयर ड्रॉप दे सकते हैं। तो दैट सीजन की पैरास्वैप को भी यही लग रहा है कि हमें अपनी कम्युनिटी को एयर ड्रॉप देना चाहिए। और अगर आप इनके कमेंट भी पढ़ते हैं तो सभी जगह यही है कि एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप। तो
हो सकता है कि यहाँ पर हमें फ्यूचर में एयरड्रॉप मिले, और डेफिनेटली इसमें ट्रांजेक्शन जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। मैं वैसे मेटामास्क में 2-3 ट्रांजेक्शन मार रहा हूँ, 2-3 वॉलेट से। अगर मैं मेटामास्क की बात करूँ तो यहाँ पर आप जितने मर्जी वॉलेट बना सकते हो, जितने मर्जी यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे करोगे आपका एक अलग से वॉलेट बन जाएगा, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हम वॉलेट बना सकते हैं। बट फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसी में सारे ठूस दो। अब हम चलते हैं दूसरे अपकमिंग बिग एयरड्रॉप के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ ओपन ऑक्शन की। ओपन ऑक्शन ने यहाँ पर 1inch.exchange को रीट्वीट करते हुए बोला है, डू नॉट मिस ओपन ऑक्शन इफ यू मिस दी 1 inch एयरड्रॉप। अगर आपने 1 inch के एयरड्रॉप को मिस कर दिया है तो आप ओपन ऑक्शन के बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर एक बंदे ने एक क्वेश्चन भी पूछा है, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एक बड़ा एयरड्रॉप होगा या सॉलिड एयरड्रॉप होगा, तो उन्होंने बोला दी आंसर इज यस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने हिंट दे दिया है कि हम जो एयरड्रॉप है वो काफ़ी बड़ा करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। हम मिनिमम भी लेके चले तो $1000 तो चलता ही है। तो यहाँ पर अगर आपने नहीं इस पर क्लेम किया तो एक बार जाकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ओपन ऑक्शन और पारस्वैप मिलते जुलते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी यूज़ करते हुए, बट फिर भी हम इसको ओपन करके आपको बता देते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, फीस का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको फीस ज़्यादा लग रही है तो 1-2 दिन रुक जाइए, क्योंकि अभी नया नया लोगों को पता लगेगा तो सभी लोग धड़ाधड़ फीस दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर ट्रेड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही ट्रेड नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पर शो हो जाएगा कि आप कौन सा वॉलेट कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी पास मेरे पास एथेरियम नेटवर्क है तो मैं एथेरियम नेटवर्क पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो किस पेयर में आप लेना चाहते हो, अगर आप USDT में लेना चाहते हो, किस में लेना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मेरे हिसाब से फीस ज़्यादा पे करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिएगा, देन आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओपन ऑक्शन में काफ़ी फीस लग रही है अकॉर्डिंग टू अदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये सिलेक्ट करता है कि सबसे चीपेस्ट कौन सी एक्सचेंज से हमें मिल रहा है। तो अभी मैं यूनिस्वैप पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि यूनिस्वैप पे सबसे सस्ता क्या ट्रांजेक्शन फीस हमें कम लगती है अकॉर्डिंग टू अदर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर फाइंड किया इसने हमें ये 0.1K 73.11 USDT देगा, जिसमें से हमें 72.3809 मिलेंगे जो कि एक्सचेंज रखेगी, ठीक है, ओपन ऑक्शन के पास जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने कन्फर्म करना है, कन्फर्म करोगे तो वही सेम प्रोसेस है जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस में चली जाएगी। पर आपने जैसे कि देखा मेरी जो फीस है वो $14 लग रही है, $14 काफ़ी ज़्यादा है एक नॉर्मल इंसान के लिए देने के लिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि कैसे क्या करना है, सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतनी इतनी फीस जाके पे करो। अब हम बात करते हैं फाइनल एंड लास्ट अपकमिंग बिग एयरड्रॉप प्लेटफॉर्म के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ मेटामास्क स्वैप। मेटामास्क स्वैप अभी 3 महीने हुए हैं, अभी लॉन्च हुआ है, अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो इस पर भी एक स्वैप जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर फीस यहाँ पर भी उसी प्रकार लगने वाली है, तो फीस को थोड़ा सा ध्यान पे रख के आप स्वैप कर सकते हैं। कैसे स्वैप करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी आगे। ये सेम वैसा है जैसे कि आपको ओपन ऑक्शन और पारस्वैप पे मिलता है। ये पिक करता है सबसे चीपेस्ट से, जहाँ पर सबसे सस्ता आपको कॉइन मिल रहा होता है वहाँ पर यह शो कर देता है। बट यहाँ पर जब जब ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं जो कि आपको शेयर करते हैं कि इस एक्सचेंज से इस एक्सचेंज पे आप मिल रहा है, थर्ड पार्टी को शो करते हैं, तो उसमें फीस लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं स्वैप कर सकता हूँ, यहाँ पर मेटामास्क जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्वैप का, यहाँ पर बाय सेंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर स्वैप पर क्लिक करोगे सीधा वही ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पर आपने डाल देना है कि आपने 0.8 के लेने हैं या फिर जितने भी लेने हैं। तो यहाँ पर आप गेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो उनकी लोमड़ी है वो फाइंड करना शुरू कर देती है कि किस एक्सचेंज पर ये टोकन मिल जाएगा, और साथ के साथ आप यहाँ पर स्वाइप करके अपने पास टोकन रख सकते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन मारनी है कोई भी मार लो, वैसे जरूरी नहीं है कि अभी मारनी है, थोड़ा टाइम बाद भी मार सकते हो क्योंकि अभी फीस बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी ये फाइंड नहीं कर पा रहा है तो एरर आ गया कुछ, तो अपन दोबारा से इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि हम मैंने USDT और डाई लिया था पारस्वैप और ओपन ऑक्शन से, तो ये इसी को स्वैप करके देखते हैं कि अपन को कितनी फीस लगेगी अगर मैं इसको एथेरियम पे दोबारा से स्वाइप करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे स्वाइप करने की कोशिश करता हूँ तो चेक करते हैं हमारी लोमड़ी जी ढूंढ रही है कौन सा पेयर सबसे सस्ता पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारी लोमड़ी जी का कहना है कि हम 0.099 ETH आपको देंगे, पर जो फीस है वो आपको $15 और $28 तक के बीच में देनी पड़ सकती है। तो मैं ये चॉइस बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं इससे अच्छा है कि इसको दूसरे वॉलेट पे सेंड करने का सोचूंगा। अगर सपोज करो अगर मैं इसको किसी वॉलेट पे भेजता हूँ या फिर
मैं इसको किसी एक्सचेंज पर भेजता हूँ तो मेरी फ़ीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमें फ़ीस लग रही है, यहाँ पे $4 फीस लग रही है अगर मैं $73 का विड्रॉ लेता हूँ तो, ज़्यादा नहीं लग रही, बट वहाँ पे वो ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं यहाँ से अपनी एक्सचेंज पर भेजना ज़्यादा पसंद करूँगा यहाँ पे स्वैप करने से बढ़िया। पर हमें एयरड्रॉप के चक्कर में स्वैप करना है तो दैट सीजन की हमारी मजबूरी है, तो आप इसका देख सकते हैं। बट मैं आपको फिर सलाह दूंगा जब फीस थोड़ी सी कम हो जाए तभी ट्रांजेक्शन करें तो ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा फीस लग रही है तो मुझे लगता है कि लोग धड़ाधड़ लगे पड़े हैं इसमें, ठीक है। तो जो हाईएस्ट फीस लग रही है वो लग क्यों रही है, जैसे कि मैंने 2 ओपन ऑक्शन और पारस्वैप मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है, तो इसमें मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फीस लगी। अगर मैं यूनिस्वैप का डायरेक्ट यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा फीस नहीं लगती है। वो क्यों लगी, जैसे कि मैं इनकी ट्रांजेक्शन खोल के देखता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सी मेरे पास डाई है वो यूनिस्वैप के द्वारा आए, यहाँ पर यूनिस्वैप, फिर यूनिस्वैप ने एक एड्रेस पे भेजे, फिर उस एड्रेस ने यहाँ पर पारस्वैप को भेजे, फिर पारस्वैप ने मेरे को भेजे, यानी कि उनको 3 रास्तों का सफ़र तय करना पड़ा डाई को, जिसकी वजह से मेरे को फीस ज़्यादा लगी। पारस्वैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जो कि आपको सबसे चीपर सेलेक्ट करके दे रहा है जो कि उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं ओपन ऑक्शन में इतनी ज़्यादा फीस क्यों लगी। अब ओपन ऑक्शन की बात करते हैं, ओपन ऑक्शन ने अपने एड्रेस से यूनिस्वैप को अपना WETH भेजे, फिर WETH से USDT मिले, फिर USDT ने वो अपना इनका ओपन ऑक्शन में भेजे, फिर ओपन ऑक्शन ने मेरे को भेजे, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी 4-5 पड़ाव पार करने पड़े तो ये मेरे को मिले, मतलब दैट सीजन की वो फीस हमें ज़्यादा लग रही है। तो बस अब क्या करें, एयरड्रॉप के चक्कर में हमें ये करना पड़ रहा है, पर फीस का हमेशा ध्यान रखें, पारस्वैप और ओपन ऑक्शन में फीस आपकी ज़्यादा लगने वाली है, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करें या फिर आप अभी करना चाहे कर सकते हैं, इट्स ओनली अप टू यू। 2 दिन पहले मैंने इसको किया और मैं आप क्यों बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में मैं 2 दिन पहले और कल भी मैंने बताया था और मेटामास्क का उससे पहले भी बता चुका था, पर तब फीस बहुत कम थी, बट जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा फीस बढ़ती जाएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम को पक्का ज्वाइन करो, और जिन लोगों ने ट्विटर नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर वो लाल वाला बटन है वो दबा दीजिएगा, क्योंकि वो लाल वाला मेरा फेवरेट कलर है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।